नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 2-3 दिन पहले से ही मैं आपके स्टॉक बिकवा रहा हूं, यानी कि जो मैंने आपको खरीदवाए थे, आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप कराया था, वो धीरे धीरे करके बिना टारगेट आए हुए मैं आपके प्रॉफिट का फॉर्मूला उनमें यूज कर रहा हूं। ऐसा नहीं वो लॉस में बेच रहा हूं, लेकिन उसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं और उन स्टॉक को हम खाली कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली कल परसों मैंने स्पेल आपको बिकवा दिया था 25 के आसपास प्रॉफिट का फॉर्मूला, उसमें हम लोगों ने लगाया था 17 के आसपास की बाइंग थी, अच्छी खासी क्वांटिटी थी, प्रॉफिट हो गया। इस तरह साहब आज केपी में और इसी तरह आज कॉम्फ्यूज में, यानी कि 3 स्टॉक दोस्तों हम लोगों ने खाली कर चुके हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग उसमें यूज कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूं, जबकि इनके टारगेट बहुत ऊपर के हैं, इनके अभी टारगेट नहीं आए हैं। कॉन्फ्यूज का टारगेट बहुत ऊपर का है, केपी का टारगेट बहुत ऊपर का है, स्पेल का 30 के आसपास का टारगेट है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनसे ज्यादा जो पोटेंशियल है वो सरकारी बैंकों में है। जी हां दोस्तों, इनसे ज्यादा जो पोटेंशियल है वो सरकारी बैंकों में निवेश करने से है, यानी कि हम लोग इनसे ज्यादा पैसा सरकारी बैंकों में निवेश करके कमा सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत अच्छी वेल्थ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को खाली कर रहा हूं, यानी कि समय समय पर रहते हुए अभी 3 स्टॉक हम लोगों ने बेचे, आने वाले समय में जैसे वो भी हमारे प्रॉफिट के आसपास पहुंचेंगे या प्रॉफिट फॉर्मूलों के आसपास पहुंचेंगे, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ एक स्टॉक और भी हैं एबीएम केसर वगैरह की मैं कर रहा हूं बात, तो धीरे धीरे हम उसमें भी अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से भी हम लोग एग्जिट करेंगे और वो पैसा हम लोग सरकारी बैंक में लगाएंगे। इस समय मैंने आपको बता रखा है कि एक सरकारी बैंक ऐसे हैं जो बहुत बड़े दोस्तों गेम चेंजर होने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। हर चीज वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जाती, सिर्फ इंडिकेशन दिया जाता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन सरकारी बैंकों को बाय करने की। अभी गिरावट हुई थी कैनरा बैंक के आसपास, कैनरा बैंक को हमने 200 के आसपास बाय किया था अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, स्पेल का पैसा वहां लगाया था। इसलिए हम लोगों ने जो पैसा हमारा ऐसे वैसे जो शेयर लगे हुए थे, जैसे स्पेल वगैरह में पैसा लगा हुआ था या केपी में पैसा लगा हुआ था, कॉन्फ्यूज में पैसा लगा हुआ था, तो वहां से हम लोगों ने पोजीशन हल्की करके हम लोग शिफ्ट हुए हैं सरकारी बैंकों पे। अभी रिसेंटली जो गिरावट हुई थी, SBI में भी गिरावट हुई, कैनरा बैंक में भी गिरावट हुई, यूनियन बैंक भी 44 के आसपास आया था, 43-44 के आसपास, तो हम लोगों ने कुछ शेयर उसके बाय कर ली, स्पेल का पैसा हम लोगों ने वहां लगाया। इसी तरह आज केपी और कॉन्फ्यूज भेजा है, कल परसों तक वो भी पैसा रिलीज हो जाएगा, वो पैसा भी आ जाएगा, तो डेफिनेटली हम लोग वो पैसा भी सरकारी बैंकों में लगाएंगे। देखो दोस्तों, ये सरकारी बैंक में आज आपको फिर दोबारा से ये बात बता रहा हूं कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। 12 PSU बैंक जो हमारे पास है, हर किसी के लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी के पास थोड़ा पैसा है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है। एक्युमुलेशन के द्वारा इनको बाय करते रहिए। अगर आप पे थोड़ा पैसा है तो सस्ते स्टॉक ढूंढिए। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जा सकते हैं जिसका मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस, स्टॉक प्राइस कम हो, उसमें आप जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर किसी के लिए यहां अपॉर्चुनिटी है। इन 12 सरकारी बैंकों में हर किसी के लिए यहां अपॉर्चुनिटी है, ये मौका मिस मत करना। एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है इन सरकारी बैंकों में कि आपकी किस्मत चमक जाएगी अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सरकारी बैंक का कोई भी 12 बैंक का एक शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। इसीलिए मैं अपने जो शेयर्स हैं पोर्टफोलियो के, जो शेयर्स हैं स्पेल, कॉन्फ्यूज, केपी वगैरह, उनकी पोजीशन हल्की कर रहा हूं, उनको खाली कर रहा हूं, उनको बेच रहा हूं और इधर सरकारी बैंकों में शिफ्ट हो रहा हूं। वीडियो बनाने का मेन मकसद उद्देश्य यही है कि समय पर आपको आगाह कर दिया जाए। बहुत से लोग मेरा कहना मान लेते हैं और समय पर रहकर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे आज कॉन्फ्यूज और केपी में भी करा, और जो लोग नहीं कर पाते फिर वो पैसों का अरेंजमेंट करने पे लग जाते हैं कि भाई पैसे करेंगे, अब सरकारी बैंकों में सर ने बता दिया तो सरकारी बैंकों में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें, मैंने आपसे शुरू के वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि पैसे के इलाज, हमने जो पैसा लगा दिया है बस वही सफिशियंट है। ज्यादा पापा इस बाजार में पैसा मत लगाइए, इसी को घुमाइए, इसी से कमाइए और इसी को फिर दोबारा से लगाइए। समझ गया, मैंने आपको जो पैसा लगाया था उसी को घुमा रहा हूं,
जितने मेरे क्लाइंट हैं, मेंबर्स हैं, ज्यादा मैं पैसा नहीं कह रहा आपसे, मैं चाहता आपसे कहता कि आप और एक्स्ट्रा पैसा ले आओ और इस बाजार में ले लो, ये सरकारी बैंक के शेयर ले लो। नहीं, क्यों फायदा, जब अच्छा खासा हमारे पे पैसा पड़ा हुआ है, इस पहल का पैसा है, केपी का पैसा है, कॉम्फ्यूज का पैसा है, वो पैसा क्यों ना अब हम सरकारी बैंकों में लगाए, क्यों साहब इतना सारा पैसा हम दोबारा लाए। वो पैसा जब काम आएगा जब बाजार में अच्छी खासी गिरावट होगी, फिर इन जो हम सरकारी बैंकों के शेयर ले रहे हैं इनको एवरेज करने के लिए हमें अगर पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तब हम लाएंगे दोबारा पैसा। अभी हम क्यों लाए, क्या पता हमारा काम इससे ही हो जाए, अभी हम क्यों लाए, क्या पता हमारा काम इससे ही हो जाए। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहां डिस्क्लोज नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि जो ये सरकारी बैंक है, 12 सरकारी बैंक, इसमें से एक या दो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, यानी कि सरकारी बैंकों के एक या दो बैंकों के स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आपकी किस्मत बदलने वाली है बहुत जल्दी। ये बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अब वो चीज क्या है वो मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ मजबूरियां हैं और कुछ साहब कारण हैं जो मैं आपके सामने वो चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बस इतना बताता हूं कि आने वाले समय में ये बैंक आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन करके देंगे, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन करके देंगे। समय है आपके पास अभी इसमें निवेश करने का, इधर उधर मत भागो। ये देखो, ये मत देखो कि YouTube पे वीडियो देख रहे हो, ये शेयर्स करोड़पति बनाएगा, अरबपति बनाएगा, लखपति बनाएगा। अरे नहीं भाई, 12 बैंक आपके सामने पड़े हुए हैं, ये ऐसी मेरे ख्याल से आपके सामने कोड़ियों के भाव में ये शेयर पड़े हुए हैं। इन पे फोकस करो, इनकी महत्वता को जानो, इनकी इंपॉर्टेंस को समझो। आज ये वीडियो अगर आप एक साल या दो साल बाद देखोगे तब आप रियलाइज करोगे कि मैं आज इस वीडियो में क्या कह रहा हूं। आज आप ये वीडियो अगर दो साल बाद देखोगे तब आपको एहसास होगा कि मैंने क्यों कहा था सरकारी बैंकों में निवेश करने के लिए। ये बहुत जल्दी दोस्तों गेम चेंजर साबित होने वाले हैं, बहुत ऊपर के टारगेट इनके निकल के आने वाले हैं। सही मायने में मेरी बात मानिए आप, बहुत ऊपर के इनके टारगेट है। मैं आपको सिर्फ हिंट ही दे सकता हूं कि एक बहुत बड़ा कायाकल्प इन बैंकों का होने वाला है और उसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में इनको स्थान जरूर देना है। इनका एक या दो बैंक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मेरी पिक आप जानते हैं कि मैं कहां पैसा लगा रहा हूं। मैं कैनरा बैंक, यूनियन बैंक को दबा के बाय कर रहा हूं साहब, हर गिरावट में उनको बाय कर रहा हूं। पैसा बाहर से भी नहीं लेके आ रहा हूं, जो अपना पैसा स्पेल, कॉन्फ्यूज, केपी वगैरह में से आ रहा है वो साहब पैसा मैं यहां लगा रहा हूं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपको सूचना देनी थी समय से पहले कि कहीं देर ना हो जाए कि साहब बहुत देर हो जाए, इससे पहले ये स्टॉक सरपट दौड़ने लगे और आपके हाथ भी ना आए, आप हाथ मलते रह जाओ। समय रहते इन स्टॉक पे अपनी पोजीशन को बना लो। और ये ऐसे स्टॉक हैं, सरकारी बैंक हैं, तो इनके पीछे कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, वो मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको दोबारा से सुना दूंगा। सरकारी बैंक, अपने देश के सरकारी बैंक बहुत कोड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। यूनियन बैंक तो बहुत सस्ता, कैनरा बैंक भी उससे भी ज्यादा सस्ता। बड़े बड़े साहब जो हमारे, जिनकी साहब इस स्टॉक मार्केट में तूती बोलती है, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी, वो खुद साहब कैनरा बैंक को लिए बैठे हैं। तो सोचिए कि क्या परिवर्तन आने वाला है इन बैंकों में। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, समय रहते आपको आगाह कर दिया जाए सरकारी बैंकों के प्रति। आप समय से अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लो, वो पूंजी आपको बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक जो मैंने दिला रखे हैं वो भी अब समय समय पर अपने प्रॉफिट के फॉर्मूले के आसपास आ रहे हैं और उसमें से हम अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला निकाल के कैपिटल को निकाल रहे हैं, वो कैपिटल हम सरकारी बैंक में लगा रहे हैं। बस यही एक मकसद था वीडियो बनाने का। कोई ऊंची ऊंची उड़ान की बातें नहीं है कि करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास सरकारी बैंक जो इस समय बहुत सस्ते हैं, उनको दबाने का, खरीदने का, पोर्टफोलियो में रखने का। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।